नसीराबाद में डॉक्टर ललित डिडवानिया के साथ हुई मारपीट को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नसीराबाद में डॉक्टर ललित डिडवानिया के साथ मरीज के परिजनों द्वारा की गई मारपीट और उन पर कराए गए झूठे मुकदमे को लेकर आज डॉक्टर्स की टीम एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग रखी। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि नसीराबाद में डॉक्टर ललित डिडवानिया पर मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको लेकर आज डॉक्टर्स की टीम एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग रखी। करें? एक मिनट सर को आंदो ना। मैं आज एक्स्ट्रा से मिले की विषय मिला। नसीराबाद में डॉक्टर ललित डिडवानिया के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ और उनके खिलाफ जो मिथ्या शिकायतें हो रही है, उसके खिलाफ हम एसपी साहब से सहयोग मांगने के लिए ज्ञापन देने गए थे और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और जो भी न्यायपूर्ण बात होगी वो की जाएगी। क्या हुआ था वहाँ पर, किस विषय में झगड़ा हुआ था? कोई मरीज के रिश्तेदारों ने अकारण ही इनके ऊपर हमला किया था, चोटें आई थी, काफ़ी ग्रीवियस किस्म की, मतलब गंभीर किस्म की चोटें थी और उसके लिए उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई, गिरफ्तारी भी हुई है कुछ मुलजिमों की और आगे भी हो जाएगी, पुलिस का बहुत सहयोग रहा है इसमें, लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया, उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, प्रवक्ता, एरिस्टा।